हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वो लाल कलर का आपको बटन दिख रहा है, उसको क्लिक कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज बात करेंगे RVNL शेयर एनालिसिस विद माई रिव्यू। 30 रुपये का मल्टीवेगर शेयर, राइट। स्टॉक का पूरा नाम है रेल विकास निगम स्टॉक एनालिसिस, राइट। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट एनालिसिस शेयर करूंगा रेल विकास निगम लिमिटेड के, विद माय टारगेट, माय स्टॉप लॉस, माय चार्ट व्यू एंड माय फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप वीडियो को अंत तक देख के जा सकते हो। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो या सोच रहे हो कि मैं रेल विकास निगम लिमिटेड शेयर को बाय करके चलूं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूं, तो डेफिनेटली ये RVNL शेयर एनालिसिस वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है। अगर थोड़ा भी पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करके सपोर्ट दिखा सकते हो। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक सेकंड भी स्किप ना करें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। थोड़ा सा पहले कंपनी के बारे में बता देना चाहता हूँ। कंपनी, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, एक रेलवे कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिकली इंडियन रेलवे की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है और एक गवर्नमेंट कंपनी है। 87% स्टेक इसमें गवर्नमेंट का है। एंड दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है और ये कंपनी 2003 में फाउंड की गई थी और इसका जो रेवेन्यू था 2019 के आसपास 10,000 करोड़ के आसपास का था। और जो अभी करेंटली इसके पास एम्प्लॉई है, 550 से ज़्यादा एम्प्लॉई रेल विकास निगम के लिए काम कर रहे हैं। और दोस्तों, कल मैं जी बिजनेस में इनके जो डायरेक्टर है उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बहुत क्लियर वर्डिंग में कहा था कि इनके पास 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, 75,000 करोड़ के बुक्स में प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, उनकी वर्निंग सुनने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आया स्टॉक में कि हाँ, स्टॉक के ऊपर एक बार रिव्यू करके देखना चाहिए। और जब मैंने स्टॉक की रिव्यू करना स्टार्ट करी तो दोस्तों, मुझे भी पर्सनली स्टॉक काफ़ी पसंद आया। तो आप सभी रिक्वेस्ट करूँगा, लास्ट में शेयर करूँगा मेरा चार्ट व्यू। चार्ट व्यू को पक्का देख के जाना, उसमें जो इसके टारगेट निकल के आते हैं, काफ़ी बड़े टारगेट निकल के आते हैं RVNL के, तो डेफिनेटली इसको आप रडार में रखना। साथ में मेरा एक टेक्निकल, आप बोल सकते हो कि स्टॉप लॉस होता है, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आपका जो कैपिटल है या आपका पैसा है वो जीरो होने से बच सकता है। तो आप उस स्टॉप लॉस पक्का यूज़ करके जाना इस स्टॉक में। दोस्तों जैसे अभी मैंने बात करी, इसके बाद 75,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स है बुक्स में। तो दोस्तों, देख सकते हो जो प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं, जो अभी ख़त्म नहीं हुए। तो दोस्तों, देख सकते हो काफ़ी एक लंबी लिस्ट निकल के आती है जो प्रोजेक्ट अभी रन कर रहे हैं। इनके पास ब्रिज वर्क का भी काम है और दोस्तों, देख सकते हो कितने अच्छे इनके पास अभी प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। डबलिंग का भी काम करते हैं दोस्तों, देख सकते हो कितने सारे प्रोजेक्ट इनके पास अभी पेंडिंग है, मतलब काम उनमें चल रहा है। तो दोस्तों, देख सकते हो काफ़ी लंबी लिस्ट है इनके पास जो अभी इनको काम करना है। तो डेफिनेटली अभी इनके पास इतना सारा काम है, तो डेफिनेटली इसके प्रॉफिट एक अच्छे आने की संभावना पूरी है। अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन की, तो दोस्तों देख सकते हो उनके पास कितने सारे इलेक्ट्रिशियन प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, मतलब जिनमें काम चल रहा है। तो मतलब दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट की, तो इनके पास जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है बहुत बड़ी लिस्ट है, चाहो तो आप खुद से जाके देख सकते हो। ठीक है, मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू दे दिया कि इनके पास देख सकते हो दोस्तों कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और न्यू लाइन का भी कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों, कंपनी के पास बुक्स में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक को अपने रडार में रखना चाहिए। दोस्तों, अब लेके चलता हूँ मैं आपको अपनी टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ RVNL। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड फंडामेंटल एनालिसिस। तो देख सकते हो दोस्तों, जो कंपनी है आपकी NSE और BSE दोनों में लिस्टेड कंपनी है। बढ़िया है दोस्तों कि कंपनी का कामकाज NSE और BSE में होता है। अब बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। दोस्तों, आपके सामने है कंपनी का जो मार्केट कैप है, तो वो है 6,391 करोड़ के आसपास का। और दोस्तों, अगर बात करते हैं कंपनी का करंट प्राइस, तो देख सकते हो जो मार्केट जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का, 30.60 रुपये, मतलब 31 रुपये के आसपास स्टॉक अभी आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात करते हैं स्टॉक के हाई लो की, तो देख सकते हो दोस्तों, जो हाई है स्टॉक का वो 35.10 रुपये का स्टॉक का लो है। और स्टॉक का पी अभी 7.46 रुपये के आसपास चल रहा है, मतलब जिस हिसाब से इसकी बुक्स है, इसका जो स्टॉक पी है काफ़ी सस्ते में अभी आपको मिल रहा है। ये बात करते हैं स्टॉक के डिविडेंड यील्ड, दोस्तों देख सकते हो कंपनी एक काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आप सोच रहे हो एक ऐसी कंपनी जो आपको एक अच्छा डिविडेंड दे सके, तो भाई इस कंपनी में आप पैसा लगा के भूल सकते हो। और थोड़ा आगे लेके चलता हूँ आपको दोस्तों, कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास का है, तो मतलब आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड रिसीव होता होगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, रेल विकास निगम लिमिटेड अपने स्टॉक से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहा है, तो देख सकते हो कितने सस्ते में अभी आपको मिल रहा है स्टॉक। और दोस्तों, देख सकते हो जैसे आपको मैंने बतलाया कि
कंपनी एक अच्छा डिविडेंड दे रही है, तो शेयर होल्डर को लगातार कंपनी एक अच्छा डिविडेंड दे रही है, तो डेफिनेटली आप रडार में रख सकती हो। दोस्तों अगर बात करते हैं स्टॉक एक पीयर कंपैरिजन की, तो ये एक कंस्ट्रक्शन फील्ड का स्टॉक है और इसमें जो स्टॉक्स आते हैं आप देख सकते हो अपनी कैटेगरी का सेकंड में आता है मार्केट कैप के हिसाब से। ठीक है, आप देख सकते हो इसका जो मार्केट कैप है 6390 के आसपास है, और जो सबसे बड़ी कंपनी है इस फील्ड की PNC इंफ्राटेक, उसका जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 6844 के आसपास है और उसका करंट प्राइस चला है 266 रुपये। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकती हो दोनों का मार्केट कैप सेम होने के बावजूद भी एक कंपनी 266 में ट्रेड कर रही है और एक कंपनी आपका मात्र आपका 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आप खुद डिसीजन करो कि आपको किस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने RVNL के क्वार्टर रिजल्ट्स खोले आपके सामने, तो आप देख सकते हो दोस्तों जो सेल्स है सेल्स में कितनी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही होगी आपको, लगातार सेल्स में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, दिसंबर क्वार्टर की जो सेल्स थी वो 3700 करोड़ के आसपास थी, मतलब 37 करोड़ के आसपास थी। और दोस्तों अगर बात करता हूँ उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, दोस्तों देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर का जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 220 करोड़ के आसपास का था। ठीक है, और बात करते दोस्तों उसके अदर इनकम की, तो दोस्तों देख सकते हो इसके पास एक अदर इनकम का सोर्स भी है जिसमें इसको तो 33 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो डेफिनेटली आप इसको रडार में रख सकते हो, इसके पास अदर इनकम के सोर्स भी है। अगर बात करते हैं नेट इनकम की, तो दोस्तों देख सकते हो नेट इनकम में भी लगातार एक वृद्धि देखने को मिल रही है। जो इसकी नेट इनकम थी दिसंबर महीने की वो 281 करोड़ के आसपास की थी, मतलब 281 करोड़ के आसपास। अर्निंग पर शेयर भी इसका लगातार काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और दिसंबर मंथ में अर्निंग पर शेयर था वो 1.35 के आसपास था। तो काफ़ी लाजवाब स्टॉक है क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस में। अब लेके चलता हूँ आपको उसके ईयरली रिजल्ट्स, उसमें देख लेते हैं कि कंपनी में क्या हलचल नज़र आती है हमें। तो दोस्तों देख सकते हो स्क्रीन में आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20 के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, और मेरे हिसाब से 19 के आसपास कंपनी का IPO लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे दोस्तों लगातार नेट प्रॉफिट में एक ग्रोथ नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है दोस्तों, आपको साफ दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट में एक लगातार ग्रोथ नज़र आ रही है, और जो FY20 का जो प्रॉफिट था उसका 753 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इसने दिया था। दोस्तों अगर बात करता हूँ करंट TTM की, तो देख सकते हो 857 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, आप इसको अपने रडार में रख सकते हो। काफ़ी अच्छी मुझे कंपनी लग रही है प्रॉफिट के हिसाब से। RVNL को मैं 10 में 10 नंबर देना चाहूँगा, साथ में बोला देना चाहता हूँ काफ़ी सस्ते में आपको मिल रही है बुक्स के हिसाब से। इस स्टॉक का प्राइस अभी 50 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए था। डेफिनेटली आप स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हो। करते हैं इसके आप बैलेंस शीट की, तो दोस्तों देख सकते हो बैलेंस शीट में आपको देखने को मिल सकता है कंपनी में लगातार एक रिजर्व है, रिजर्व का लगातार बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको थोड़ी चौंका देने वाली है, वो ये है कि दोस्तों इसकी जो लोन है, जो कर्जा ले रहा है, आप देख सकते हो कर्जा इसका लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो एक ये साइन है बस कि स्टॉक थोड़ा मुझे पसंद नहीं आ रहा है। इसकी जो लाइबिलिटीज़ है, लोन जो ले रहा है, डेट इसका थोड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और डेट अगर स्टॉक कोई बढ़ाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो ग्रो करना चाहती है। अगर कंपनी लगातार इसी तरीके से प्रॉफिट देते जाती है तो डेफिनेटली लोन इसका छोटा होता जाएगा और इसका प्रॉफिट मार्जिन बड़े होते जाएंगे। तो डेफिनेटली स्टॉक को बढ़ा में रख सकते हो। बस एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट इसका यही है भैया, इस कंपनी में लोन थोड़ा ज़्यादा है बस। बाकी अगर बात करता हूँ दोस्तों कैश फ्लो की, तो हाल फिलहाल में कंपनी के पास कोई कैश फ्लो नहीं है। और स्टॉक में देख लेते हैं स्टॉक में क्या है। दोस्तों अगर बात करते हैं सिक्योरिटी पैटर्न की, तो देख सकते हो 87% के आसपास कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक है, FII का पैसा नहीं है, TII का छोटा सा पैसा है 1% के आसपास। और बात करते हैं हमारे रिटेल की, तो 10% का पैसा उनका भी इस पे इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो डेफिनेटली स्टॉक का बेड़ा में रख सकते हो, एक गवर्नमेंट कंपनी है, डेफिनेटली आपको अच्छा पैसा बना के दे सकती है। लेकिन आपको इस स्टॉक को एटलीस्ट 5 to 10 ईयर होल्ड करना पड़ेगा। जी हाँ, कोई भी कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो उसको कम से कम 5 से 10 सालों के लिए होल्ड किया करो। राइट, उससे पहले बिल्कुल ही मत सोचा करो कि मुझे स्टॉक को बेचना है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो स्टॉक को 5 से 10 साल को होल्ड करने के लिए, तो RVNL शेयर इज गोइंग टू बी आर नेक्स्ट मल्टीवेगर स्टॉक। तो आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो अगर आप 5 से 10 सालों के लिए सोच रहे हो। अब बात करते हैं स्टॉक के चार्ट की, तो ये रहा रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक चार्ट। तो दोस्तों मैंने RVNL का स्टॉक चार्ट खोला हुआ है, तो आपको स्टॉक चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है देख सकते हो दोस्तों। कंपनी ने लास्ट टाइम एक 32 रुपये का हाई लगाया था, ये रहा कि 30 और 32 रुपये का हाई था, और कोविड के वजह से स्टॉक ने 10 रुपये का लो लगाया था। लगातार स्टॉक 10 रुपये के बाद एक अच्छा खासा पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने एक ब्रेकआउट भी दिया है, इसको बोलते हैं
2 साल का इसने ब्रेकआउट किया, मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह का आप बोल सकते हो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, ठीक है, इसने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे दिया है। तो डेफिनेटली इसके आसपास आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो और देख सकते हो यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज भी इसने किया है। तो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस में बाय करके चलना चाहिए, और साथ में अगर आपको स्टॉक 30 रुपये के नीचे मिलता है, 29 रुपये, 28 रुपये, तो डेफिनेटली एक अच्छा बैट ये हो सकता है। अब बात करते हैं स्टॉक के स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस होगा वो 20 रुपये के नीचे होगा। जी हाँ, 20 रुपये के नीचे आप रेल विकास निगम का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो। टारगेट के लिए जो टारगेट निकल के आते हैं स्टॉक में, वो है पहला टारगेट 50 रुपये का है, दूसरा टारगेट हमारा 80 रुपये का है, तीसरा टारगेट हमारा 100 रुपये का है, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट 50 रुपये है और दूसरा टारगेट हमारा 80 रुपये है और फाइनल टारगेट हमारा 100 रुपये का है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना चाहते हो तो आप कम से कम 90 रुपये या 100 रुपये के टारगेट के लिए वेट करना, जिसको आने में 5 साल भी लग सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो 5 साल के लिए कंपनी को होल्ड करने के लिए, तो होल्ड करके चल सकते हो, करंट प्राइस में बाय करके चल सकते हो। 30 रुपये, 29 रुपये अगर आपको मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, और 21 रुपये के आसपास भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हो 100 रुपये के टारगेट के लिए। तो ये था आपका रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर टारगेट अराउंड 100 रुपीज़, ठीक है। डेफिनेटली स्टॉक को रडार में रखो, फंडामेंटल स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी सी लाइबिलिटीज़ है, वो डेफिनेटली कम हो जाएगी धीरे धीरे करके जैसे कंपनी ग्रो करेगी। और स्टॉक का चार्ट मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, डेफिनेटली आप 30 रुपये, 29 रुपये के उसमें बाय करके चल सकते हो, और 20 रुपये के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट आपके 100 रुपीज़ आ सकते हैं, लेकिन उसको आने में टाइम लग सकता है, आपकी मर्जी। आप ही नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसा लगा शेयर और क्या स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी आप सुझाव करके बता सकते हो। साथ में अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।